जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो ये बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने मोबाइल का माइक से, जो कि मोबाइल में इनबिल्ट माइक आता है उससे। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका वॉइस कैसा है। अभी मैं कुछ देर के बाद बोया का जो माइक मैं परचेस किया हूँ उसको अनबॉक्सिंग करूँगा। अनबॉक्सिंग करने के बाद उस माइक से मैं वीडियो में बात करने का कोशिश करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा आवाज़ में डिफरेंट है या नहीं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं, अमेजोन से मैंने इस माइक को परचेस किया हूँ। इस पैकेट को मैं ओपन करता हूँ और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, मैं इन सभी को डिटेल्स बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए, देख पा रहे हैं। अच्छा, ये बिल रहा जो कि अमेजोन के द्वारा दिया गया, ये बिल है। इस बिल को साइड रखते हैं, कवर, और इसमें कुछ नहीं है, इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या। आप देखिए, बोया का ओरिजिनल होलोग्राम है, जिससे आपको इससे क्लियर होता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। माइक्रोफोन 2.5 ग्राम, इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका सारा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। चलिए, इसको हम ओपन करते हैं। तो इसको खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। ओह माय गॉड, ये देख पा रहे हैं, एक लेदर पाउच बैग है। शोले मूवी में जो तंबाकू निकालता है वही बटुआ टाइप का ये पाउच है, इसी के अंदर सारा चीज़ रखा हुआ है। तो देख पा रहे हैं ये माइक, और इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये एक यूज़र मैनुअल है, इसको कोई नहीं पढ़ते हैं, इसको भी साइड में करते हैं। उसके बाद एक वारंटी कार्ड है, इसको भी साइड करते हैं। और बोया का दो स्टिकर है, आप इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, वायर का क्वालिटी। उसके बाद ये जो है ना, ये मेटल फॉर्म में है। और हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से खुलता है दोस्तों। खुलने के बाद यहाँ पे बैटरी लगता है। अगर बाय द वे कैमरा में, जैसे कि आप कोई भी DSLR कैमरा में अगर यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको बैटरी लगाए, तो बैटरी किसमें है क्या, हाँ देख लेते हैं। अरे हाँ, ये क्या है, ये कोई केमिकल है जो कि इसका पार्ट्स कोई ख़राब नहीं होता, इसके लिए ये केमिकल। इसको भी हटाते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये देखिए, क्लिप है, जिससे कि आप अपने कॉलर में माइक को जो है ना एडजस्ट करने के लिए। और ये बहुत टाइट है कि ताकि आप जहाँ भी इसको लगाएंगे वहाँ से हटेगा नहीं। इसके दांतों में भी अच्छी तरह से पकड़ है। और ये एक बैटरी रहा, इस पैक है बैटरी। मैं इसको माइक को अभी कैमरा में यूज़ नहीं करूँगा, तो इसीलिए इसको पैक ही रहने देता हूँ। छोटा सा स्टिकर है। उसके बाद माइक के ऊपर जो लगाते हैं, ये जो कि नॉइस को क्लियर करते हैं, माइक के ऊपर लगाने वाला है, जैसे कि इसे हम लगाते हैं। और ये देखिए, इसको एक बार लगा के हम आवाज़ टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारा चीज़ वीडियो अनबॉक्सिंग करके दिखाई दिया हूँ। तो अब क्या करते हैं, इस माइक को हम अपने फ़ोन में लगाने के बाद इसका आवाज़ कैसा ये रिकॉर्ड करता है, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या है ना, इसमें मैंने बैटरी नहीं लगाया, यहाँ पे एक स्विच है। इसको आप जब भी बैटरी लगाएंगे कैमरा में, जब इसको यूज़ करेंगे, तो स्विच को ऊपर कैमरा में कर लेना है। अगर कैमरा में नहीं, फ़ोन, स्मार्टफोन में लगाना है, तो इसको स्मार्टफोन की तरफ स्विच को स्क्रॉल कर देना है।
ये बहुत ही लंबी वायर है, आप जो है ना एडजस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं कि किसका कैसा रिस्पॉन्स है और कैसा आवाज़ें हैं, ताकि एक वीडियो के लिए मायने रखता है उसकी आवाज़ें। तो आवाज़ अच्छी रहे तो आपके वीडियो भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें ये मैंने नहीं दिखा पाया था, एक्चुअली में ये ऐसा है जैसे कि बड़ा कोई एम्पलीफायर वगैरह होता है तो उसमें बड़े बड़े कोड लगते हैं, तो ये स्मार्टफोन के लिए है। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसमें लगाया जाता है और उसके बाद ये बड़ा हो जाता है कि बड़े आप कोई भी मशीन में या कोई भी एम्पलीफायर वगैरह में इस कोड को लगा करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अहम है, इसको भी रखते हैं। इसको मैंने आपको नहीं दिखा पाया था, मुझे ये साइड हो गया था। अभी मैं वीडियो रोकता हूँ। अभी तक जो आपने आवाज़ सुना है ये हमारे माइक का नहीं है, ये अपने मोबाइल में जो इनबिल्ट माइक है उसी का आवाज़ है। अब मैं आपको बोया माइक का आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं हूँ आपके दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया माइक का आवाज़ है। बोया बाय M1 ये माइक है। तो इसका आवाज़ आप सुन पा रहे हैं कि कैसा आवाज़ है? जैसे हमने पहले फ़ोन से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम का आवाज़, और अभी जो मैं बोया माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मैं बात कर रहा हूँ, इस आवाज़ दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है। इसलिए दोस्तों एक माइक को होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप इस माइक को परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। 650 में ये इतना अच्छी क्वालिटी है कि मैं बहुत खुश हूं कि अभी ऑफ़र चल रहा है। अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से परचेस करेंगे तो आपको 600 से 700 तक आपको ये माइक मिल जाएगा। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।